नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे और किस तरीके से एफिलिएटेड लिंक को आप अपने वेबसाइट पर आप उसे प्रमोट कर सकते हो। अब ये बात आती है वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट या तो आपके पास में वर्डप्रेस का वेबसाइट हो या फिर ब्लॉगर का वेबसाइट हो, कोई भी प्रकार का वेबसाइट अगर हो तो आप वहाँ पर आसानी से अपने एफिलिएटेड लिंक को जो प्रमोट कर सकते हैं। और प्रमोट करने का जो तरीका होता है, क्योंकि एफिलिएटेड लिंक जब हम जहां से लेते हैं सेल्स पेज से, वो हमें सेल्स पेज यानी कि जो हमारा वेंडर होता है जिसका हम प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले होते हैं, वहां से हमें वहां मिलता है कुछ थंबनेल्स के कुछ इमेजेस मिलती हैं और कुछ हमें टेम्पलेट्स मिलता है, कुछ हमें बैनर एड के लिए भी कई सारी इमेजेस मिलते हैं। अगर आपके पास में अपना खुद का वेबसाइट्स हो तो आप उसको अपने वेबसाइट्स के ऊपर, नीचे, ऊपर, फ्रंट पे, बैक मतलब कि फूटर में, हेडर में, साइड बार में या होम पेज के कहीं भी किसी भी हिस्से में जहां भी आपको सूटेबल लगे आप वहां पर लगा सकते हैं। और साथ में उसके अंदर आप अपने एफिलिएटेड पेज का लिंक भी उसमें लगा सकते हैं। इससे होगा यह कि कोई भी यूजर जब आपके ब्लॉग पढ़ने के लिए आपके वेबसाइट्स पर आएगा और उसकी नज़र पड़ेगी आपको, उनकी नज़र पड़ेगी आपके साइड बार में किसी ऐड पे, बैनर पे, तो हो सकता है कि अगर वो इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से क्लिक करके वो डायरेक्टली उनके सेल्स पेज पे जा सकता है और वहाँ से प्रोडक्ट को अगर वो परचेज करता है तो उसका कमीशन आपके वॉलेट में जमा हो जाएगा। अब यहाँ पे दो बात आती है। एक बात ये आती है कि अगर आप चाहें तो आप बीच में एक ब्रिज पेज बना सकते हैं, लैंडिंग पेज भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑप्शन दोनों खुला हुआ है। अगर आपको लगता है कि ब्रिज पेज बनाना चाहिए, उससे फ़ायदा यह होगा कि आपको लीड जनरेशन का मौका मिलेगा, बाद में चल के उस यूजर के साथ में आप अपना ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप उनको सेल्स पेज पर डायरेक्टली भी भेज सकते हैं। तो मेरा एक खुद का वर्डप्रेस पे एक ब्लॉग है जिसके ऊपर कुछ कॉन्टेंट पब्लिश हैं, तो मैंने अपने ब्लॉग के ऊपर अपने कुछ एफिलिएटेड लिंक को पेस्ट किया हुआ है, यानी कि एफिलिएटेड बैनर और पोस्टर मैंने लगा रखे हैं। कैसे मैंने काम किया तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाली मेरी बहुत सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी एफिलिएटेड मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे कई सारे मैं टिप्स और ट्रिक, फ्री टिप्स और ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि कैसे मैंने साइड बार पे एफिलिएटेड लिंक के जो पोस्टर्स हैं, जो प्रोडक्ट का जो बैनर्स हैं मैंने लगाए हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, मैं आ गया हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा ब्लॉग है जिसका नाम है तरुण के वीडियो ब्लॉग। ठीक है, आप इस तरीके से हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है कि जो भी कंटेंट को हम यूट्यूब पे बनाते हैं उसको, उसी सेम कंटेंट को हम यहाँ पे ब्लॉग के ऊपर हम पोस्ट करते हैं, जिससे कि हमें ट्रैफिक जनरेट होती है। यूट्यूब पर जो कोई भी आता है देखने के लिए वीडियो, वो हमें ब्लॉग पर भी आके विजिट कर सकते हैं, और ब्लॉग पर जो अब कोई भी आते हैं वीडियो देखने, ब्लॉग पढ़ने के लिए, वो हमें यूट्यूब पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यूट्यूब के दो डिफरेंट वीडियोज़ मैंने लगा रखा है यहाँ पर, और इस तरीके के मेरे सारे आर्टिकल हैं। वर्डप्रेस क्या है, कैसे काम करता है, पूरी जानकारी, सोशल मीडिया मार्केटिंग से पैसा कैसे कमाएं, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे शुरू करें और पैसा कमाएं, इस तरीके से कई सारे मेरे ब्लॉग हैं यहाँ पे। ये मेरा फुटर सेक्शन हो गया, तो इस तरीके से सारा काम होता है यहाँ पे। मैंने डाल रखे हैं सारी चीज़ें, ब्लॉगिंग, मेक मनी ऑनलाइन, लेटेस्ट न्यूज, गवर्नमेंट स्कीम, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन एंड कॉन्टैक्टर्स। तो ये हमारा एक लेआउट है और यहाँ पे हमारा रिसेंट पोस्ट के सारे आर्टिकल यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि मैं इस पे से, मान लीजिए कि कोई एक ब्लॉग को यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में ये हमारे एक नया पेज पर लेकर जाएगा, और नया पेज पर जब ये लेकर जाने के बाद में, अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, हमारा ये ब्लॉग खुल गया, ओपन हो गया, वर्डप्रेस से रिलेटेड पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए, राइट हैंड साइड में एक साइड बार में मैंने लगा रखा ये कुछ हमारे एफिलिएटेड लिंक हैं। देखिए, ये सारे एक पोस्टर हैं। आप इसको यहाँ इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, ये आपको डिपेंड करता है जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। ये ट्रैफिक सीक्रेट का है, वन फनल अवे चैलेंज है, और ये फनल चैलेंज है, नीचे एक्सपोर्ट सीक्रेट है। इस तरीके से मैंने सिक्स लगा रखे हैं, वन
2, 3, 4, 5, 6। अब ये जो है, अगर कोई भी पर्सन हमारा ये ब्लॉग पढ़ता है, ब्लॉग पढ़ने के बाद में अगर इसके ऊपर कोई क्लिक करता है, उसकी नज़र इस पे पड़ती है, अगर इसको वो कोई क्लिक करता है तो ये कहाँ जाएगा? आप देखो, इसको मैंने क्लिक किया अभी। क्लिक करने के बाद में ये लेके जाएगा डायरेक्टली उसके सेल्स पेज पे। देखिए, ये सीधा डायरेक्ट कर दिया, रीडायरेक्ट कर दिया इसको सेल्स पेज पे, ट्रैफिक सीक्रेट के सेल्स पेज पे। अगर कोई भी यूजर यहाँ पर ये प्रोडक्ट को देखता है, देखने के बाद में अगर उसे प्रोडक्ट समझ में आती है तो वो बाई करता है, तो इसका कमीशन मेरे वॉलेट में जमा हो जाएगा और वहाँ से हम अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रिक को अपनाई जाती है। और आप इसको क्या कर सकते हैं कि आपको, अभी मैं वापस आके दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से वापस क्लिक किया बैक, और ये वापस ये हम आ गए यहाँ पर, ये हमने आ गए अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट पे। इस तरीके से यहाँ पे जितने भी जो लगे हैं, पोस्टर्स लगे हैं, ये बैनर्स लगे हैं, ये किसी पे भी क्लिक करेगा। अगर आपको देखो, एग्जाम्पल के लिए एक बार और मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूँ। अगर कोई पर्सन इसको क्लिक करता है, ये क्लिक करेगा, देखो ये रीडायरेक्ट कर देगा सेल्स पेज को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो बीच में एक ब्रिज पेज भी बना सकते हैं। अगर आपको लीड कैप्चर करना है, तो ईमेल किसी का कैप्चर करना है, तो आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हो और यूजर को डायरेक्टली लैंडिंग पेज पर लेके जाओ, और लैंडिंग पेज से आप यहाँ पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। तो आपको लीड मिलेगा, डायरेक्टली भी सेल्स पेज पे भेज सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका ब्रिज पेज ही आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हो, किस तरीके से मैनेज करते हो। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो आसानी से वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ से कोई भी पर्सन यूजर यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को बाई कर सकता है। अगर उसको चीज़ें पसंद आती है तो उसका कमीशन वॉलेट में जमा हो जाएगा, वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हो। अब देखिए, मैं इसको समझाने के हिसाब से मैं इसको वापस जाता हूँ और आपको ये बात बताता हूँ कि आप इसको कैसे करोगे। इसके लिए अब आपको एक काम करना होगा कि इसके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना होगा। तो मैं इसको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है जहाँ से ये सारा काम होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है, और अपीयरेंस में जाने के बाद में आपको यहाँ पे विजिट में जाना है। यहाँ पे विजिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप देखो आपके सामने क्या क्या ओपन होता है। यहाँ पे मैं जो थीम इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है जेनेसिस प्रो वर्जन, है पेड वर्जन है। अगर आपको जेनेसिस थीम प्रो वर्जन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं आपको वहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से रीडायरेक्ट हो जाना, या मैं आपको ईमेल कर दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ। तो मेरे पास कई सारे प्रीमियम थीम हैं जो मैं अपने ब्लॉग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वो सारी चीज़ मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए कि यहाँ पे जो विजिट पे आने के बाद में यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिलता है। ये हमारा हेडर का राइट है, और ये हमारा हो गया साइड बार। अब यहाँ पे साइड बार देखिए, साइड बार में जितनी भी चीज़ें, ये साइड बार उसको कहते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए ब्लॉग दिखा, ये रहा मेरा साइड बार, ठीक है, आप समझते जाओ। इस साइड बार के पास बाद में देखिए कैटेगरीज हैं ये सारी, उसके बाद सेकेंडरी साइड बार आता है। सेकेंडरी साइड बार में आप देखो टॉप होम मिडिल लेफ्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। अब आपको यहाँ पे मैंने जो लगा रखे हैं कि हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग का वीडियो लगा रखा है, तो ये वीडियो जो आपको दिख रहा है मेरे होम पेज पे, अगर हम जाते हैं तो होम पेज पर जाने के बाद आपको ये जो वीडियो दिख रहा है, ये आपको वीडियो हमने यहाँ पे लगाया है। इसको लगाने का जो तरीका है वो तरीका बहुत ही सिंपल है। यूट्यूब का वीडियो का लिंक हमने सिर्फ यहाँ पे डाला है, बल्कि कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। आप यहाँ पे सिर्फ आपको लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है वर्डप्रेस के विजिट में जाने के बाद में। वो आपको यहाँ पे देखिए, आपको क्या है, यहाँ पे मैंने वीडियो का लिंक डाला है, ठीक है। अगर वीडियो का एडिट करना है तो यहाँ पे आपको लिंक डाल देना है, बस टाइटल डाल दो यहाँ से। डालने के बाद आपको यहाँ पे जैसे एडिट वीडियो पे जाना है, या तो आपको एडिट वीडियो पे यहाँ पे आपको लिंक ऐड कर देने हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है, जो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही सिंपल तरीका है। लेकिन आपको जो बैनर्स लगाने हैं, आप कैसे लगाओगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। ये हो गया, उसके बाद में देखिए ये सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विजिट में वापस से जाना होगा, चूँकि मैं बैक आ गया था। अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाने के बाद में विजिट में जाएंगे। विजिट में जाने के बाद में आपको सारी ऑप्शंस आपको दिखाता है।
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि अगर आपके पास में कोई ब्लॉग है वर्डप्रेस पे या फिर आप ब्लॉगर पर भी आप बनाकर ये सारी चीज़ें कर सकती हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ब्लॉगर पे बन जाता है विदाउट डोमेन होस्टिंग, आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे। तो उसके बाद में मिडिल में आइए, यहाँ पे भी देखिए हमने यहाँ पे लगा रखा है, एक वीडियो लगा दिया है। और उसके बाद में यहाँ आता है कि फीचर्स पोस्ट आ गया और सेकेंडरी बार आ गया हमारा यहाँ पे। ये देखिए सेकेंडरी जो बार ऑप्शंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्रैफिक सेक्रेट फ्री बुक, वन फनल अवे चैलेंज, फनल चैलेंज, एक्सपर्ट सेक्रेट, डॉट कॉम सेक्रेट एंड 5 डे लीड चैलेंज। ये सारी चीज़ें देखिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार खोलकर। ये जितनी भी पोस्टर्स आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे ये देखिए ये जो ट्रैफिक सेक्रेट वन फनल अवे चैलेंज जो लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है, ये सारी चीज़ें यहीं से हमने जो लगाया है यहाँ से लगाया है। ये देखिए करेक्ट, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही है। ये देखिए तो ये कैसे आपको लगाना है, करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको पोस्टर ऐड कर देना है, टाइटल आपको लिख देना है और यहाँ पे देखिए अपलोड पोस्टर आ जाएगा, क्योंकि एडिट पोस्टर यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टर हमने यहाँ पे डाल रखा है इसलिए एडिट पोस्टर आ रहा है, वरना यहाँ पे लाएगा अपलोड पोस्टर। तो आपको अपलोड पोस्टर करना है और आपको जेवीजू, क्लिक बैंक या कोई भी वेबसाइट से जिस भी प्रोडक्ट को एफिलेटेड जो आपका प्रोडक्ट है, मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो बना रखा है कि कैसे उसका हॉप लिंक लिया जाता है, एफिलेटेड लिंक लिया जाता है, आप आपके साइट पर से एफिलेटेड साइट पर जाने के बाद कैसे टेम्पलेट सेव किया जाता है। अगर आपने नहीं, अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो आप इसको क्या करना कि आप मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस बना रखा है मैंने, वो देख लेने के बाद में आप वहाँ से टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं, क्लिक फनल का लिंक जनरेट कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने क्या किया कि वीडियो को यहाँ पे, सॉरी, ये जो टेम्पलेट्स को यहाँ पे अपलोड किया, अपलोड करने के बाद जो एफिलिएटेड लिंक है उसको बिटली पे गया और बिटली पे जाके शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, लिंक टू शॉर्ट किया और यहाँ पे डन करके क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ दिखाना शुरू कर देगा। करेक्ट, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही है। ट्रैफिक सेक्रेट हो गया, वन फनल अवे चैलेंज हो गया, इसको भी मैंने यही किया है। देखिए वन फनल अवे चैलेंज यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका पोस्टर को हमने डाला, यहाँ पे बिटली पे जाने के बाद उसके एफिलिएटेड लिंक को शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद में हमने यहाँ पे पेस्ट करके सेव करके क्लिक कर दिया। तो ये सारी चीज़ इस तरीके से हमने पाँच को लगा रखा है, ये पाँचों को आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो आई होप ये यहाँ ऐसा करने के बाद डन पे क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे, आपका काम हो गया और ये आपके वेबसाइट के राइट हैंड साइड पे ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावे अगर आप चाहें तो कहीं और भी अपने वेबसाइट में जगह बना सकते हैं, होम पेज का किसी भी बॉटम लाइन पे, आप साइड बार पे यहाँ भी लगा सकते हो अगर आपके उस जगह, चूंकि मैंने यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट डाल रखा है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से हटा के ये पोस्टर को यहाँ भी दिखा सकता हूँ, यह मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बनाते हो, किस तरीके से बनाते हो, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हो गई, तो एक तो ये बात आ गई आपको। अब मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको अपना वीडियो प्लेसमेंट करनी है तो वीडियो प्लेसमेंट कैसे करोगे, आपको वो भी सिखा देता हूँ कि अगर आपको यूट्यूब के वीडियो को प्रमोट करना है, अगर आपको, तो वो भी बहुत आसान है प्रमोट करना। तो उसके लिए आपको देखिए प्राइमरी साइड बार आ गया और ये सेकेंडरी साइड बार आ गया। तो प्राइमरी साइड बार के देखिए आपको मिडिल में, यहाँ पे आपको मिडिल में आप देख लो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाता है होम पेज के बाद में। ये आ गया रिसेंट पोस्ट, सेकेंडरी साइड बार में आ गया टॉप होम पेज के आ गया। मैंने एक स्टैटिक पेज बना रखा, बिटकॉइन सबसे महंगी करेंसी क्यों है, इसको बोलते हैं होम पेज। अब आता हूँ मैं आपको होम पेज पे आने के बाद में आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि होम पेज पर कैसे आप अपनी चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि कोई भी विजिटर जब आपका आपके साइट पे आता है तो उसको होम पेज बराबर दिखना चाहिए। तो ये हमारा एक होम पेज का एक ओपन पेज हो गया कि कोई भी आएगा तो उसको हमारा वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारा होम पेज हो गया, ये हो गया प्राइमरी, ये हमारा आप देख लो कि होम टॉप के नीचे आ गया है, मिडिल लेफ्ट हो गया होम और मिडिल राइट आ गया। मिडिल लेफ्ट और राइट किसको कहते हैं आप देख लो, ये मिडिल लेफ्ट हो गया और मिडिल राइट हो गया। ठीक है, वेबसाइट तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है ये हमारा हो गया हेडर, उसके बाद हो गया बॉडी, ये हमारा बॉडी पार्ट कहलाता है, और नीचे आ गया हमारा फुटर, ये फुटर कहलाता है। तो इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा होम पेज का जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट होम पेज कहलाएगा, ये राइट होम पेज कहलाएगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने यूट्यूब का वीडियो लगाया है और यूट्यूब का वीडियो हमने कैसे लगाया है आप देख सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे हमने होम पेज एक सेट कर दिया। सबसे पहले तो हमने एक होम पेज सेट कर दिया, ये हमारा होम पेज हो गया। अगर कोई भी बंदा इसको क्लिक करता है तो पढ़ सकता है यहाँ पे क्लिक करने के बाद में। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए ये मिडिल में हाउ टू एक वीडियो मैंने डाला, तो वीडियो आप कैसे डालोगे, आपको यहाँ जाना है। जाने के बाद में आपको टाइटल लिखना है, टाइटल लिखने के बाद आपको एक लिंक यहाँ पे डालने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे जैसे एडिट वीडियो है, रिप्लेस वीडियो। अगर मैं रिप्लेस वीडियो पे जाता हूँ, समझो एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे रिप्लेस वीडियो पे जाता हूँ, तो ये देखिए ये लिंक है, इंसर्ट योर यूआरएल। तो यूट्यूब का कोई भी वीडियो को आप यहाँ पे जब डालोगे, डालने के बाद में ऑटोमेटिक ये फेच करके ले लेगा और यहाँ पर आपको वापस आके सेव कर देना है, ठीक है। और तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप डाल दोगे, डालने के बाद में सीधा यहाँ पे देखो ऐड टू विजिट, विजिट डालने के बाद ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है और बहुत ही आसान है आपको वीडियो डालना, और बहुत ही आराम से आप अपने YouTube के वीडियोस को भी आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। और आप साथ में आप क्या कर सकते हो कि आपको बहुत सारे जो भी बनाना है आपको एफिलिएट लिंक को भी प्रमोट कर सकते हो आप यहाँ पे आसानी से। तो ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे आपको सेव करना है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम आपको इसका रिप्लाई जरूर दे देंगे। ये देखिए मैं वापस से आपको एक बार सेट करके दिखाता हूँ। ये प्रियंस में गए, विजिट में गए, और विजिट में जाने के बाद में आपको आपको सारे जितने भी थीम प्लगइन्स जो होंगे वो सारी आपको एक जैसे ही काम करते हैं। और अगर आपको, अगर आप नया सीखना चाह रहे हो, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप, मैं आपको दे दूंगा आपको ये सारे थीम प्लगइन्स जो भी मैं इस्तेमाल करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आएगी। मिडिल में मैंने देखिए लगा रखा है कि हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, मिडिल राइट में आपके सारे मेरे ये सब वीडियोस क्रिएट हो गया, बॉटम में देखिए होम बॉटम में मैंने सारे फीचर पोस्ट डाल रखे हैं। फीचर पोस्ट का मतलब ये हो गया हमारा, ये सारे हमारे फीचर पोस्ट देखिए यहाँ पर हैं, ये सारे मैंने 8-10 जो भी बनाए हैं ये सब यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, अपने एफिलिएट लिंक को लगा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, और ये काफ़ी आसान है करना, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। जैसे ब्लॉगिंग का कोई भी सेगमेंट खोलेगा कोई भी पर्सन हमारा, तो ये सीधा उनको टेम्पलेट्स दिख जाएगा, और ये अपनी आसानी से आप इसका रिव्यू लिख सकते हो, आप अपने किसी भी ब्लॉग का रिव्यू लिख के डाल सकते हो यहाँ पे अच्छे से आसानी से। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अपने ब्लॉग पे। ये देखिए ये फ्री प्रमोशंस हैं, ये सारे आपका ब्लॉग है, आप जहाँ मर्जी वहाँ लगा सकते हैं, एफिलिएट पोस्टर लिंक और बैनर जो भी चाहें आप लगा सकते हैं, बहुत जगहों पे लगा सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में और भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, और अगर आपको ब्लॉगिंग और से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके ऊपर लिए ज़रूर बनाऊंगा। सो गाइज, ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी कि अगर आपके पास में कोई ब्लॉग है तो आप वहां पर अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट कर सकते हैं, और अगर गूगल एडसन का अप्रूवल नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है, आप यहां से भी पैसे की अर्निंग कर सकते हैं। अब ये दो डिफरेंट तरीके से हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो वर्डप्रेस पर भी आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आपको डोमेन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, होस्टिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वर्डप्रेस पर आपको एक ब्लॉग डिज़ाइन करना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट में blogger.com पर भी अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, और एफिलिएटेड लिंक की वहां पर भी आप प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। फर्क इतना है कि वर्डप्रेस पे अगर आप ब्लॉग डिज़ाइन करते हैं तो वहां पे आपको कॉस्ट लग जाएगी, डोमेन होस्टिंग के पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, और उसके बाद में आप वहां पर ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन blogger.com गूगल का ही प्रोडक्ट है, जहां से अगर आप ब्लॉगिंग शुरुआत करते हैं तो वहां पर आपको जीरो कॉस्ट पे सारा काम हो जाएगा, और एफिलिएट लिंक की प्रमोशन वहां पे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ब्लॉग बनाना आता है तो आप बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉग बनाना सीखना चाहते हैं, ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल तरीके से आप जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक और 100 कमेंट जिस दिन पूरा हो जाएगा और इसकी डिमांड आएगी, तो मैं एक डिफरेंट सीरीज आपको लेकर आऊंगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किस तरीके से डोमेन लेते हैं, कैसे आप होस्टिंग के साथ कनेक्ट करेंगे, कैसे डीएनए सेटिंग करेंगे, किस तरीके से वर्डप्रेस पे आप अपना ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं, और blogger.com पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट करके आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। मैं पूरा डिटेल ट्यूटोरियल के तौर पे मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, कैसे आप पहला ब्लॉग पोस्ट करेंगे, कैसे गूगल एडसेंस से अप्रूवल लेकर उसके ऊपर ऐड चलाना स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे इस पे स्पॉन्सर कैटेगरीज हैं, फेसबुक हैं, वहाँ से भी ऐड हमें मिल जाता है, फेसबुक नेटवर्क ऑडियंस के माध्यम से भी। तो ये सारा डिटेल जानकारी आपके साथ में तभी शेयर कर पाऊंगा जब इस वीडियो की डिमांड आएगी, कि अगर आप देखना चाहोगे कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड
और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों को अगर जोड़कर आप अगर आपने मेहनत की तो 100% आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप डेफिनेटली चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसकी डिमांड बढ़ाइए और मैं आपके साथ में आइडिया शेयर करता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ में कि कैसे और किस तरीके से और कहां कहां से पैसे आप अर्न कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से। बाय दिनों बहुत सारे ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक मैं शेयर करता रहता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, तो मेक श्योर कि पहली बार देख लें तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।